As promised, मैं आपको एक गार्निश बनाना सिखा रही हूँ, कैरेट गार्निश, जो आपके कैरेट केक पे जाएगी. इट्स वेरी सिंपल. एक आपको पीलर चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इस तरह से आपने कैरेट रिबन्स बनानी है. तो ये एक कैरेट की मैंने ऑलरेडी बना ली है. थोड़ा सा मैं आपको और दिखाती हूँ. स्लोली चूल्हे पे मैंने एक कप पानी और एक कप चीनी बॉयल होने रखा है. उसका एक शुगर सिरप या शीरा बनाना शुरू कर दिया है. ऑलराइट, दैट्स गुड. अब इनको हम डालेंगे इसके अंदर. तो एक रोलिंग बॉयल के साथ आप इसके अंदर डालेंगे ये सारे कैरेट रिबन्स. इट्स बॉइलिंग वेल. दिस इज फॉर अबाउट 15 मिनट्स. और अगर आपने बहुत ही पतले काटे हैं तो वो 10 मिनट में भी निकाल सकते हैं. इफ दे आर लिटिल बिट थिकर देन मे बी 15. वंस दे आर आउट, हम इनको इस बेकिंग शीट पे लगाएंगे और फिर हम ओवन में डाल देंगे. गार्निश बनाया है, ये अच्छी तरह से इसके अंदर चीनी आ गई है. सो व्हाट वी नीड, इसके थोड़ा सा ट्रिकी है, डायरेक्ट गर्म शीरे में अपने हाथ ना डालिएगा प्लीज़. थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें. अभी आप थोड़े थोड़े करके निकालेंगे ऐसे. ओके, अब थोड़ा सा काम है इसमें. पहले सारे निकाल लेती हूँ. वही वाली बात है, अगर आपको कोई चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी स्पेशल बनानी है तो उसमें आपको टाइम एंड एफर्ट देना पड़ेगा. ओके, हियर वी गो. तो ये हम हटा लेते हैं, वी डोंट नीड दिस एनीमोर. अब इसमें एक स्ट्रिप्स जो हैं आप ये लंबे लंबे ऐसे लगाएं. अभी देखिए, अभी से ही कितनी खूबसूरत हैं. दे हैव अ ब्यूटिफुल डार्क ऑरेंज कलर. ओके, देयर वी आर. तो ये आपकी एक गार्निश बनेगी. बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप लोग ब्रेक पे थे तो तब तक मैंने अपने कैरेट्स की गार्निश जो है वो ओवन से निकाली और इनको थोड़ा सा ट्विस्ट करके अब तैयार कर लिया है. तो ये भी थोड़ी जैसे जैसे ठंडी होती जाएंगी ये अपना शेप जो है वो ऐसे ट्विस्टेड ही रखेंगी. इनका आप कलर देखें, दे आर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल.